वेलकम बैक स्टूडेंट्स. आज हम बात करें मोर ऑन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पे बात करेंगे कि जिसमें हम डायरेक्शन की बात कर रहे थे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की. उसके लिए मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ जिसके जरिए हम जो है इसकी जो डायरेक्शन है उसको एक्सप्लेन करेंगे. एक रूल को हम एक्सप्लेन करेंगे और इसको डिफाइन कर देती हूँ. ये हमारे पास कहलाता है राइट हैंड रूल. ठीक है, अब इसको मतलब कि इसको हम कैसे करते हैं, राइट हैंड रूल के जरिए हम डायरेक्शन किस तरह से फाइंड आउट करते हैं वो देख लेते हैं. कि जिस तरह से यहाँ आपको एक सर्कुलर बॉडी दिखाई गई है जो कि जिसकी रोटेशन जो है वो रोटेट कर रही है, और उसकी जो डायरेक्शन है, अगर मैं वो ब्लैक कलर से शो कर देती हूँ कि ये उसकी डायरेक्शन है. ठीक है, यानी कि वो हमारे पास इस डायरेक्शन में मूव कर रही है. अब वो अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो उसके हम क्या करेंगे, अपनी जो मतलब कि हमारा जो राइट हैंड है उसकी फिंगर्स को कर्ल करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, और जो थंब है वो पॉइंट आउट करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. यानी कि थंब जो है वो हमें बताएगा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की क्या डायरेक्शन है. ठीक, और इसी तरह अगर हमारी डायरेक्शन जो है ऑफ रोटेशन जो है वो अगर इस डायरेक्शन में हो जाती है तो फिर हम अपनी फिंगर्स को जो है राइट हैंड की फिंगर्स को उसी डायरेक्शन में कर्ल करेंगे जिस तरह से आपको यहाँ फिगर में दिखाया जा रहा है, और थंब जो है वो पॉइंट आउट करेगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन जिस तरह से यहाँ आपको नजर आ रहा है कि इस केस में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है स्टूडेंट्स वो इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन है. ठीक, अब ये तो मतलब कि हमने इसकी डायरेक्शन की बात कर ली, और इसमें एक और चीज जो है वो स्टूडेंट्स वो ये है कि अगर हमारे पास डायरेक्शन जो जिस तरह से यहाँ एंटी क्लॉकवाइज है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है कि क्लॉकवाइज के ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो उस केस में हम जो है इसको क्या लेते हैं कि इसकी जो डायरेक्शन है उसको हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं. ठीक है, यानी कि उसको वैल्यू जो है वो पॉजिटिव असाइन करते हैं. और इसी तरह अगर हमारे पास जो है इसकी डायरेक्शन जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हम उसको नेगेटिव वैल्यू जो है वो असाइन करते हैं. यानी कि हम कहते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो नेगेटिव डायरेक्शन में हो रही है, और इस केस में हमारे पास पॉजिटिव डायरेक्शन में होती है. और ये बेसिकली हम लोग जी एक्सिस के अलॉन्ग, क्योंकि ये जी एक्सिस है स्टूडेंट्स हमारे पास, यानी कि अगर हम मैं इसको इस तरह से कह सकती हूँ कि ये हमारे पास अगर एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, और ये हमारे पास जी एक्सिस है. तो अगर हमारे पास डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन होगी तो हम उसे कहेंगे ये पॉजिटिव जी डायरेक्शन में है, और अगर हमारे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी, जैसा कि यहाँ आप क्लॉक वाइज रोटेशन में आपकी डायरेक्शन क्या आई है, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन आई है, तो आप इसको नेगेटिव जी के. सो स्टूडेंट, इस लिहाज से जो है हमने इसको जो है पॉजिटिव और नेगेटिव जो साइन है वो असाइन किए हैं. ठीक है, ये तो स्टूडेंट्स हमारे पास डायरेक्शन की बात होगी. अब हम यूनिट्स की बात कर लेते हैं, यानी कि हमारे पास यूनिट्स ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो यूनिट्स क्या होंगे हमारे पास. अब इसके जो है वो मतलब कि तीन जनरल यूनिट्स यूज किए जाते हैं जो कि हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिफाइन करने में. एक तो हमारे पास है डिग्री. ठीक है, यानी कि आप जाहिर सी बात है आपके पास एंगल है जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन कर रहा है, तो आप डिग्री में उसको मेजर कर सकते हैं. फिर उसके बाद आप इसको रेवोल्यूशन में भी मेजर कर सकते हैं. ठीक है, और फिर उसके बाद एक थर्ड यूनिट जो है वो आपके पास आ जाता है रेडियन. ठीक है, यानी कि ये तीन यूनिट्स हैं हमारे पास जो कि जिसके जरिए हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को मेजर करते हैं. अब डिग्री तो आप जैसा कि मतलब कि ये आपके लिए बहुत कॉमन टर्म है, और रेवोल्यूशन भी जिस तरह से एक पूरा सर्कल जो हम कहते हैं वो एक पूरा रेवोल्यूशन कहलाता है, वो भी आप उसको बारे में भी आप जानते हैं. लेकिन जो थर्ड आपके पास यूनिट आया है, ये आपके पास एक नया यूनिट है जिसको हम रेडियन कहते हैं. इसको हम प्रॉपर वे में डिफाइन करेंगे कि ये हमारे पास क्या होता है. अब अगर मैं इसको रेडियंस को डिफाइन करना चाहती हूँ तो मैं एक और सर्कल बनाती हूँ यहाँ, जिस तरह से ये मैंने एक सर्कल बना लिया स्टूडेंट्स. और ये सर्कल अगर ये इसका सेंटर पॉइंट ओ है, और सेंटर पॉइंट पे अगर आप देखें कि अगर पॉइंट पार्टिकल यानी कि कोई भी एक पार्टिकल जो कि सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा था वो पॉइंट पी पे था, और उसने आर रेडियस है उसका उस सर्कल का. ठीक है, और उसने पॉइंट पी से पी वन पॉइंट तक गया है, और उसने जो यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है पी से पी वन तक, वो हमने उसको लिख दिया है वो एस डिस्टेंस ट्रेवल किया, और उसने जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया स्टूडेंट वो हमारे पास क्या आई है, थीटा आई है. यानी कि एंगल में जो चेंज आया है आपके पास वो क्या आया है, थीटा चेंज आया. तो आप जो है मतलब कि थीटा जो कि रेडियन में हम मेजर करते हैं वो किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, कि हमारे पास वो डिफाइन होती है आर्क लेंथ. ठीक है, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस. ठीक है, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस जो है वो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास रेडियन के बराबर होगा. यानी कि इसको हम रेड लिख देते हैं, यानी कि उसको इन शॉर्ट जो उसका सिंबल है वो क्या है, रेड. ठीक है,
और आर्क लेंथ हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, पॉइंट पी वन से लेके पॉइंट पी सॉरी पी पी से लेके पॉइंट पी वन तक का जो हमारे पास डिस्टेंस है वो आर्क डिस्टेंस कहलाता है। और इसको मैंने आर्क डिस्टेंस क्यों कहा है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस नहीं है बल्कि इसमें हल्का सा कर्व है, तो इस वजह से इसको आर्क लेंथ कहा जाता है। और रेडियस जो है वो आपके पास सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक का डिस्टेंस है, जो कि मैंने इस लाइन से ग्रीन लाइन से शो कर दिया, जो कि आर के बराबर आ गया, ठीक। और अगर हमारे पास यानी कि जो मतलब कि हमारे पास थीटा जो है वो थीटा जो है वो हमारे पास 1 रेडियन के बराबर कब होगा, यानी कि 1 रैड के बराबर कब होगा, जब हमारे पास जो है वो आर्क लेंथ जो है वो रेडियस के बराबर आ जाए, यानी कि ये वाली लेंथ अगर किसी केस में हमारे पास बराबर आ जाए रेडियस के, तो उस केस में हमारे पास जो थीटा होगा वो 1 रैड के बराबर आ जाएगा, ठीक। अगर मैं इसको सिंबल्स इसके डाल दूँ स्टूडेंट्स, यानी कि थीटा इज इक्वल्स टू एस, यानी कि आर्क लेंथ को मैंने एस से डिफाइन किया और रेडियस को मैंने आर से डिफाइन किया, तो इसके जरिए मैं एक और जो इक्वेशन निकाल सकती हूँ वो क्या है, एस इज इक्वल्स टू आर थीटा, ठीक है। जो कि आपने बहुत दफ़ा पढ़ी भी होगी कि हमारे पास आर्क लेंथ का जो है वो एंगल और रेडियस से जो रिलेशन बनता है वो एस इज इक्वल्स टू आर थीटा से बनता है, ठीक। ये एक हमने इस तरह से जो है वो एक इक्वेशन डिफाइन कर ली। अब एक और तरह से अगर हम लिखेंगे, हम लोग अगर रेवोल्यूशन और रेडियन का आपस में जो है अगर रिलेशन देखना चाहते हैं तो वो किस तरह से देख सकते हैं स्टूडेंट्स, कि हमारे पास अगर मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ कि अगर हमारे पास स्टूडेंट्स यानी कि थीटा जो है वो एस डिवाइडेड बाई आर है, यानी कि ये मैं इक्वेशन अगर मैं यूज कर लूँ, ठीक, तो मैं इसको किस तरह से लिख सकती हूँ स्टूडेंट्स, कि हमारे पास जो है थीटा इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय आर, और एस जो है वो हमारे पास क्या है, आर्क लेंथ है, ठीक है। और अगर मैं मेरा पास ये जो पॉइंट पार्टिकल है, यानी कि मैं रेवोल्यूशन में उससे उसको देखना चाहती हूँ, यानी कि रेडियंस का रिलेशन देखना चाहती हूँ रेवोल्यूशन के साथ, तो मैं ये देखूंगी कि रेवोल्यूशन क्या होती है स्टूडेंट्स, कि एक कंप्लीट सर्कल, जब एक बॉडी पूरा एक सर्कल जो है वो काट जाती है तो हम उसे क्या कहते हैं, रेवोल्यूशन कहते हैं। तो एस जो है उस केस में क्या होगा, 2πr, यानी कि 2πr वो पूरा मतलब कि पूरा सर्कुलर जो उसने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल की है वो हमारे पास क्या कहलाएगी, 1 रेवोल्यूशन, ठीक है। तो वो 2πr डिवाइडेड बाय आर हो जाएगा और फिर वो मेरे पास किसके बराबर आता है, 2π, ठीक है, 2π के बराबर आ जाता है। और ये चीज जो है यानी कि मैं 1 रेवोल्यूशन के बारे में क्या कह सकती हूँ, 1 रेवोल्यूशन जो है वो मेरे पास किसके बराबर आएगा, 2π रेडियन के, यानी कि 2π रेडियन के बराबर किस तरह से आएगा, क्योंकि हम ये कहते हैं कि मेरे पास अगर 1 रेवोल्यूशन कब होगी, कि मेरे पास अगर थीटा एंगल जो है यानी कि थीटा एंगल वो 2π के बराबर आ जाए, और 2π कितना होता है स्टूडेंट्स, हमारे पास 360 डिग्री होता है, यानी कि 360 डिग्री के बराबर होता है, यानी कि अगर मैं पूरा इसको पूरी रोटेशन करा दूँ स्टूडेंट्स तो मेरे पास वो कितना एंगल बनता है, 360 डिग्री का एंगल बन जाता है, जो कि 1 रेवोल्यूशन के बराबर होगा, सही। और इसी फॉर्मूला को यूज करते हुए हम एक और कन्वर्जन भी कर सकते हैं, और वो कन्वर्जन ये है स्टूडेंट्स कि अगर हम देखें कि मैं यहाँ से 1 रेडियन की वैल्यू निकालना चाहूँ, 1 रेड की या 1 रेडियन की, तो मेरे पास वो किसके बराबर आएगा, 1 रेवोल्यूशन डिवाइडेड बाई 2π, ठीक है, 1 रेवोल्यूशन डिवाइडेड बाई 2π के बराबर आ जाएगा, और वो किसके बराबर होगा, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 2π, और वो मेरे पास कितना होता है स्टूडेंट्स, अगर आप कैलकुलेटर यूज करते हैं तो आप देखें कि 57.3 डिग्री के बराबर आ जाता है, जिससे मैं ये आसानी से समझ सकती हूँ कि मेरे पास जो 1 रेडियन है, यानी कि 1 रेडियन की अगर मैं कन्वर्जन करना चाहती हूँ डिग्रीज की फॉर्म में, तो मेरे पास किसके बराबर आ जाता है, 57.3 डिग्री के बराबर आ जाता है। तो ये तो स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ कन्वर्जन थी कि जो कि हम जो इसके 3 मेजर यूनिट्स हैं, यानी कि डिग्री, रेवोल्यूशन और रेडियन, उनको आपस में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये है हमारे पास स्टूडेंट्स एक कंप्लीट डिस्कशन जो कि आज हमने की है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पे।